नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एकदम हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं ना बूंदी का रायता, तो उसी तरीके से रायता बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने एक बार इस तरीके से रायता बना लिया ना, तो आपके घर में हमेशा इसी तरह के रायते की डिमांड आएगी। तो स्मोकी फ्लेवर वाला रायता मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से रायता बनाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने एक बार इस रायते को बना लिया ना, तो आपके घर में इसी तरह के रायते की डिमांड आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने एक कटोरी बूंदी ले ली है और मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो दही। तो दही को क्या करना है, इस तरीके से आपने फेंट लेना है, यानी कि एकदम स्मूथ सा दही होना चाहिए, एकदम बिखरा बिखरा सा दही नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ सा दही होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना पतला दही लिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बूंदी है ना वो जो दही का मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा काला नमक, काली मिर्च पाउडर लिए थोड़ी सी, मैंने भुना हुआ जीरा लिया है और प्लेन सॉल्ट, यानी कि जो खाने में रेगुलर हम यूज़ करते हैं नमक, वो लिया है मैंने यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, दही को स्मूथ कर लिया था मैंने और उसमें ऐड कर दिया है बूंदी। तो मैं बूंदी को यहाँ पे अलग से भिगो नहीं रही हूँ, डायरेक्टली सीधे इसमें डाल रही हूँ। तो क्या होगा ना, जो दही लिया है मैंने पतला थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम पतला भी नहीं है, तो मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी है, तो उसका जो मॉइस्चर है वो बूंदी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि एकदम से हमें सर्व नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए इसे लगभग 10 मिनट इसको रेस्ट करने देंगे हम, तो बूंदी इतनी देर में जो दही का मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और रायता जो है हमारा थोड़ा थिक हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा हमें रायता मिलेगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा रायता। तो मैंने अब यहाँ पे जो मैंने मसाले लिए थे, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और प्लेन जो नमक लिया था, भुना हुआ जीरा, वो मैंने सब इसमें डाल दिया है। अभी भुने हुए जीरे का हम आगे और यूज़ करेंगे। तो जो काला नमक यहाँ पे डाला है, तो ये एक तो रायते को बहुत बढ़िया टेस्ट देता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो काला नमक ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा लिया है मिंट मसाला, ये रायता मिंट मसाला है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुदीने की पत्तियाँ जो होती है ना वो बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है रायते में, खासकर बूंदी के रायते में पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, मैंने जो मिंट मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो लगभग 1-2 मिनट तो हमें बूंदी में मसाला मिक्स करने में हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत बूंदी थोड़ा बहुत फूलने लग गई है। तो अब इसमें अभी एक बहुत ही स्पेशल तड़का लगाने की इसमें अभी बारी आएगी। तो उसके लिए क्या होगा ना कि मैं सबसे पहले ले लूँगी, आप कोई भी, जैसे आप तड़का पैन ले सकते हैं या फिर आप कोई बड़ा चमचा होता है ना उसको ले सकते हैं, डायरेक्टली उसमें भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ना 2 मिनट के लिए लगभग रख दिया है, तब तक हमारा तड़का बनके तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए जरा सा हम सामान देख लेते हैं पहले क्या है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है घी, और आप तेल में भी तड़का लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच हींग, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैंने तड़का लगा दिया है और डायरेक्टली हम इसको सीधे ही डालेंगे जिस बर्तन में हमने रायता रखा है, तो एकदम ढक्कन लगा देंगे इसमें। तो इससे क्या होगा ना, जो धुआं है वो पूरे रायते, पूरा रायता उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो खुशबू आएगी ना और जो टेस्ट आएगा वो मैं आपको बता नहीं सकती, कितना टेस्टी रायता बन के तैयार होगा। तो लगभग इसको 7 से 8 मिनट ढककर रखना है, यानी कि जब तक कि जो स्मोक है ना वो रायते के अंदर इंटैक्ट ना हो जाए, यानी कि पूरा सा अच्छे से उसका जो फ्लेवर है वो रायते में मिल ना जाए। तो 7 से 8 मिनट लगभग हमें इसको ढक्कन इसका हटाना नहीं, एकदम ढक के रखना है, तो तरोताजगी दे देगा आपको जब आप इस तरीके से रायता बनाएंगे ना और इसे खाएंगे, आप पूरी पराठे राइस दाल किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय करेंगे, तो आपको एकदम ये तरोताजगी से भर देगा। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रायता बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे देखिए, मैंने अब एकदम ढक्कन लगा के लगभग 7 से 8 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर उभर के आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है एकदम। तो इस तरीके से आप इसे धनिया पत्ता और थोड़ा भुना हुआ जीरा ऊपर से ऐड कर दीजिए, और हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके भी इसमें डाल दी है, और पुदीना पत्ता से गार्निश कीजिए। ज़रूर आप इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।